सर आपके ऊपर रोस्ट वीडियो बनते हैं, नेगेटिव कमेंट होते हैं और आपके पेज से उनको थैंक यू सो मच बोला जाता है, ये चीज़ समझ डाइजेस्ट नहीं हुई मेरे को कि आपको कोई कह गाली दे रहा आप कह रहे हो थैंक यू सो मच। इट्स ओके यार, उनका काम है, उनकी दुकान चलती है गाली देने से, हम लोगों को कोई गाली दे और हम गाली दे तो फिर मतलब क्या, हमें और उनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज़, लोगों को प्यार से ही दुनिया जीती जा सकती है। इट्स ओके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं अप टू डेट न्यूज का स्पेशल शो वाह वाई वाह। मेरे साथ मौजूद हैं प्रफुल्ल बिल्लोरी जी उर्फ MBA चाय वाले। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे हैं आप? मस्त सर, क्या बात है पांडे जी। सर आज हम यूथ के बारे में बात करेंगे, हमने सवाल जो ढूंढे हैं युवाओं से ढूंढे हैं, पूरे युवाओं से निकाले हैं आपसे पूछने के लिए सर। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, जब आपने MBA चाय वाले की शुरुआत की MBA छोड़कर, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वो गुस्सा नहीं हुए? तो कैसे ना कि हिंदुस्तानी पेरेंट्स तो किस चीज़ में गुस्सा नहीं होते, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो शायद नहीं होंगे गुस्सा होते हैं, उनको डर रहता है कि बच्चा क्या करेगा, कैसे चालू करेगा, धन सफल होगा कि नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो डरते थे, घबराते थे, चिल्लाते थे, और रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे, तो वही व्यवहार था जैसा हर माँ बाप का होता है। पर ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बदल गया और आगे प्यार मिलता रहा तो अच्छा लगा। सर आज का जो यूथ है, युवा है, वो 24 घंटे में 8 घंटे मोबाइल चलाता है, तो सोशल मीडिया यूथ के लिए अच्छा है या बुरा है आपकी नज़र से? इंटरनेट इज़ मेकिंग स्टूपिड मोर स्टूपिड एंड इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट। अगर आप बेवकूफ़ हैं, अगर आपको पता नहीं इंटरनेट का क्या यूज़ है, तो आपको वो पीछे लेके जाएगा, धकेल देगा। पर आपको स्मार्ट हो, आपको पता है चीज़ें कैसे उपयोगिता में होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आपके बहुत फ़ायदा करते हैं। खासकर युवा शायद वो इंटरनेट में अपनी ज़िंदगी ढूंढता है, वो गलत है। आपको कोई काम करना पड़ेगा फिर इंटरनेट के फायदे से आप पहुंचा सकते हो, जैसे इंटरव्यू के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से आप दुनिया तक पहुंच सकते हो, एक अच्छी चीज़ है। पर आप दिन भर फोन चलाएंगे और आप सोचेंगे कि फ़ोन में से कोई एक आधा दिन का चिराग है और आपकी तरक्की हो जाए, तो ऐसे कभी नहीं होने वाला। सर जैसे आपने MBA चाय वाले की शुरुआत की, उसके बाद PSC समोसे वाला, MBA पिज़्ज़ा वाला और फिर इंजीनियरिंग मोमोज वाला, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है कि मतलब PSC छोड़ के लोग समोसे की दुकान खोल रहे हैं? मुझे मेजरली ऐसा लगता है शायद वो नाम के लिए उन्होंने किया होगा, उनकी कहानी कुछ और होगी कि नाम, अभी जैसे MBA चला फेमस हो रहा है तो शायद उन्होंने नाम को उपयोगिता में लाने के लिए किया होगा। पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या वो सच में काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम से कुछ नहीं होता, काम बहुत करना पड़ता है। आप नाम कुछ भी रख लो, अपने आप का नाम आप अमिताभ बच्चन रख लो तो अमिताभ बच्चन थोड़ी हो जाओगे। नहीं, एजुकेशन सिस्टम क्या है कि एजुकेशन सिस्टम तो वैसा ही है जैसा पहला है, आपको काम करना पड़ेगा, हर किसी के लिए नौकरी है नहीं। एजुकेशन सिस्टम खराब तो नहीं बोलूंगा पर अच्छा भी नहीं हमारे देश का। सर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि यूथ की बात करेंगे, तो युवा छोटी छोटी सी बात में एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, छोटी छोटी सी बात, मतलब गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो 3-3 महीने तक दारू पी रहे हैं। तो कोई उपाय बताइए कि मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद सीधे UPSC निकले राजकुमार राव जैसे। मुझे लगता है युवाओं को अपने उद्देश्य और अपने आदर्श और अपनी दिनचर्या को बदलना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि सिर्फ लड़की या लड़का ही सब कुछ नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना नहीं दुनिया नहीं है, आप कंपनी भी बना सकते हो, आप ग्रोथ कर सकते हो, रोजगार दे सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपने घर की पहली कार ला सकते हो, अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हो। और वो डिप्रेशन कब आता है, जब आदमी सोचता बहुत और करता कुछ नहीं। आपका डाउन हो गया, आपको किसी ने छोड़ दिया, आप जाइए मेहनत कीजिए किसी और चीज़ में फोड़ी, जितना समय आप रोने में, शराब पीने में और याशी करने में लगा रहे हो, वो अगर अच्छी जगह चैनलाइज कर दोगे आप समय को, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर लोगे। तो ये युवाओं को समझना चाहिए। और मुझे दुर्भाग्य लगता है कि क्यों युवा अपने छोटे से सुख के लिए, सुंदरता के सुख के लिए इतना ज़्यादा त्याग दे देता है जिसका कोई रिटर्न नहीं होता है। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना मतलब एकदम कंपलसरी हो गया, मतलब लोगों का एक ट्रेंड बन गया है, तो क्या ज़रूरत है या नहीं? ट्रेंड भी है, ज़रूरत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता फिजिकली उनका क्या है, बट अगर आप कर रहे हो तो करो, बट काम भी करो साथ में, गर्लफ्रेंड भी बनाओ बॉयफ्रेंड भी बनाओ, प्यार भी करो मोहब्बत भी करो, पर साथ में मेहनत भी बहुत करो। नहीं, एक वक्त के बाद लड़कों की हालत ऐसी हो जाती है ना कि अपनी प्यास बुझाने में समंदर अभी व्यस्त है, मोहब्बत का मैदान हारने के लिए सिकंदर अभी व्यस्त है, क्या बात? मैं उसे रोज फोन करता हूँ, एक आवाज़ सुनाई देती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क बट दे नीड टू ग्रो, टू बी ऑनेस्ट बहुत ग्रो करना पड़ेगा उनको। सर आपके ऊपर रोस्ट वीडियो बनते हैं, नेगेटिव कमेंट होते हैं और आपके पेज से उनको थैंक यू सो मच बोला जाता है, ये चीज़ समझ डाइजेस्ट नहीं हुई मेरे को कि आपको कोई कह गाली दे रहा आप कह रहे हो थैंक यू सो मच। इट्स ओके यार, उनका काम है, उनकी दुकान चलती है गाली देने से, हम लोगों को कोई गाली दे और हम गाली दे तो फिर मतलब क्या, हमें और उनमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज़, लोगों को प्यार से ही दुनिया जीती जा सकती है। इट्स ओके मतलब यूथ जो है, मैंने कहा था यूथ से जुड़े सवाल हैं, ये मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है,
अभी मैंने आपको देखा, मेरा मन करता है कि आपके जैसा बन जाऊँ, फिर मैं रणवीर अलाहाबादिया जी को देखूँगा तो उनको लगता है कि मैं एक वीडियो क्रिएटर बन जाऊँ, फिर मैं मुंबई निखिल कर जी को देखूंगा तो मुझे लगता है मैं ब्लॉगर बन जाऊं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। इट हैपेंस, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं बन सकते, आपको कुछ एक ही बनना पड़ेगा, और एक एक साल या दो दो महीने 25 चीज़ों में देने के बजाय एक चीज़ पे 25 महीने दोगे तो आप ज़्यादा सफल होगे। ड्रिलिंग मशीन की तरह आपको रखना पड़ेगा कि एक ही जगह ड्रिल करो ज़िंदगी में, और दूसरा आप ज़्यादा जिंदगी दूसरों की ज़िंदगी को लेके ज़्यादा इन्हें टेंशन मत लिया करो, सबकी ज़िंदगी इतनी कोई अच्छी नहीं जितनी दिखती है सोशल मीडिया पर। आपको फेकनेस ज़्यादा है दुनिया में, वो सोशल मीडिया पे सही चीज़ें दिखाती नहीं जो दिखाना चाहिए, वो फेलियर्स ज़्यादा होते हैं पर वो दिखाते हैं इंस्टाग्राम के फिल्टरों में कि हम बेहतर हैं सक्सेसफुल हैं, पर ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें जो सामने नहीं आती है। दूसरा, आप प्रफुल्ल नहीं बन सकते हो, आप रणवीर नहीं बन सकते हो, आप अपने आप में जो हो, पांडे जी हो, मिश्रा जी हो, रवि हो, राहुल हो, आदर्श हो, वो बन सकते हो आप किसी और की तरफ बन नहीं सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो पर आपकी अपनी कहानी अपने हिसाब से डिज़ाइन करनी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप अनुभव दुबे सर को जानते हैं, मतलब आप उनको किस रूप में देखें, क्योंकि इंदौर से आप भी हैं वो भी हैं, कंपटीशन मतलब स्टार्टअप भी दोनों का चाय से है, तो आप किस नज़रिए से देखें? नहीं नहीं, हमारा तो कंपटीशन ही नहीं, वो तो बहुत आगे है हमसे। मैं बताऊं, जब मैं चाय का ठेला चलाता था उससे 1.5 साल पहले तो उनके कैफे चालू हो गए थे, जब मैं चाय का ठेला 2.5 साल चलाया था उनके शायद 50 आउटलेट हो चुके थे, वो तो हमसे काफ़ी आगे। और कितनी बार मैंने उनसे सीखा है भाई कि हमें कैसे दम, मैं पहली बार जब फ्रेंचाइज बेचना कैसे वो चाय छोटा बार के लोगों से सीखा, मैं उनसे सीख के आया, तो मुझे तो वो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपना, वो मेरे को सिखाते हैं वो लोग। और कंपटीशन इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है, 50 MBA वाला भी आ जाए तो कम पड़ेगा मार्केट, तो मैं तो उनको अपना आदर्श और गुरु मानता हूँ। सर आप बहुत पोलाइटली रहते हैं एकदम, तो क्या ये बिजनेस स्ट्रेटजी है कि आप बचपन से ही ऐसे? यार आप जितना ज़्यादा अच्छे होंगे सौम्य होंगे उतना ज़्यादा आप ऊपर उठते हो। दूसरा, माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं कि सबको प्यार दो सम्मान दो। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा हूँ तो हमारे घर से संस्कार देना सम्मान देना सबसे प्यार से बातें करना ये सिखाया गया है, और ये अगर बिजनेस के लिए मैं करूँगा तो एक दो बार कर पाऊँगा, हमेशा नहीं कर पाऊँगा, बट आई एम 24/7 365 days एवरी टाइम आई एम लाइक द सेम। तो अगर मेरा व्यवहार ही नैतिकता ही एक जैसी हो गई तो फिर मैं इसमें फेकनेस क्या करूँगा। दूसरा, आपको धर्म कर्म संस्कार से जुड़े रहना चाहिए अगर आपको और सफल होना चाहिए, और वो तरक्की भी किसी काम की नहीं जब अपना व्यवहार और संस्कार आप भूल जाएँ, तो वो चीज़ का मुझे हमेशा याद रहता है, जहन में रहता है। क्योंकि मैंने देखा सर अभी मतलब एक ऑटो वाला आया तो बाकायदा पानी दिया, मतलब स्टाफ का ही माहौल आपने वैसा क्रिएट कर दिया सर, बहुत पोलाइटली। सबको प्यार दो, सबको इज्जत दो, क्योंकि इस दुनिया में सब इज्जत डिजर्व करते हैं, तो चाहे छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, एक्चुअली में बड़ा आदमी वही है ना जो अपने आसपास वालों को कभी छोटा महसूस ना होने दे। सर आपने फोटो पोस्ट की थी अभी वाइफ के साथ पोस्ट की थी, तो ये चीज़ आपने एकदम छुपा के रखी थी एकदम? मैं शादीशुदा हूँ, ये लोगों को पता नहीं था और मैं बता नहीं पाया, तो मैं सोच रहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ मैं अलग रखूँगा, प्राइवेट लाइफ मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखूँगा, पर मेरे को ऐसा लगा कि दिस इज़ द टाइम, और यार इवन माई वाइफ डिजर्व कि भाई मैं लोग जाने उसको, अब ऐसा मेरे को भी कभी डिस्ट्रक्शन ना आ जाए कि मेरा मन चंचल होता है कोई और ऑफर आ जाए, इससे अच्छा उनको वी आर मैरिड एंड वी आर एंगेज एंड वी डोंट नीड एनी थिंग ऑफ यू नो, कोई परेशानी नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में, आई एम वर्क माई। और मेरी सफलता में मेरे छोटे भाई विवेक बिल्लोर है और मेरी वाइफ और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ मैं वही पूछ रहा था कि विवेक जी के पास भी बहुत मल्टी टैलेंटेड है, वो भी छुपे रहे अभी बहुत टाइम तक, वो सामने नहीं आए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप एकदम से पूरे मार्केट में नहीं आ सकते, धीरे धीरे सब होता है, और हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं अभी, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वी आर नॉट सक्सेसफुल वी आर डूइंग, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को पता चलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए थैंक यू, अप टू डेट न्यूज़ चैनल जो है पांडे जी का उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, काफ़ी क्रिस्पी रहा, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पन्ना के मध्य प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, पन्ना जहाँ पे हीरे होते हैं हाँ, सर कभी आए मतलब पक्का पन्ना आऊँगा मैं, और मैं पन्ना के बारे में जब जनरल नॉलेज पढ़ता था मध्य प्रदेश का तब मैं उसके बारे में सुनता था, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इनके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, थैंक यू। We'll be right back.